यदि आंसू का एक कतरा भी बहा वो आंसू की बूंद नहीं ज्वाला का रूप लेगी। कल्लाई बंदरगाह के कुरेशियों से पूछना चाहिए था चंद्रोत के पराक्रम के बारे में। क्या होने वाली है फिल्म बाहुबली 3 की रिलीज डेट और आखिर क्या अड़चने हैं जो फिल्म की रिलीज के बीच आ सकती हैं? फिल्म की मेन शूटिंग लोकेशन क्या होने वाली है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में जहाँ आज हम बात करने वाले हैं फिल्म बाहुबली 3 के बारे में। दोस्तों वैसे मैं ना बड़ी बुद्धू हूँ, अभी तक मैंने फिल्म से जुड़ी एक एक बात आप लोगों के साथ कर ली, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसका जिक्र करना भूल गई। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं अपनी गलती को सुधार लेती हूँ। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंत तक बहुत सी अलग अलग जानकारियाँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब फिल्म की रिलीज डेट बताने से पहले मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप सभी को बता दूं उन अड़चनों के बारे में जो फिल्म की रिलीज डेट के बीच में आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी अड़चन है कोविड। तो कोविड के साथ साथ दूसरी अड़चन साथ चली आ रही है, वो है वैक्सीनेशन प्रोसेस। फिलहाल के लिए सभी फिल्म के मेकर्स ये बात इंश्योर कर रहे हैं कि सेट पर कोई भी ऐसा मेंबर ना आए जो हल्का फुल्का भी बीमार हो। इस सब के चलते फिल्म मेकर्स का ध्यान एक और तरफ है। उनका मानना है कि सभी क्रू मेंबर्स को पहले वैक्सीनेट होना जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपनी फिल्म की शूटिंग को शुरू होने के बाद बीच में इन रीजंस की वजह से बंद नहीं करना चाहते। वो इस बात को सभी क्रू मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने सभी क्रू मेंबर्स को ये कहा कि सबका वैक्सीनेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों चीज़ें होने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। फिल्म में लगभग 200 या 300 मेंबर्स की क्रू होती ही है, तो अब 200 या 300 मेंबर्स को वैक्सीनेट करवाना एक छोटे वक्त की बात नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसके लिए मेकर्स को खुद को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा फिल्म को किया जाएगा काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पर शूट, और ऐसे में जब हम सभी जानते हैं कि कभी एक जगह लॉकडाउन होता है तो कभी दूसरी जगह, ऐसे में फिल्म के मेकर्स किसी और लोकेशन पर उस लोकेशन का रेकी भी करने नहीं जा सकते। जी हाँ, शूट करना तो दूर की बात है, उस जगह पर पहुंच जाएं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे वक्त में फिल्म के मेकर्स खाली नहीं बैठ रहे। वो अपने लोकेशन के लिए आने वाले समय के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। अब जैसा कि हम सभी ने देखा है कि बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में हैं जो हिमालयस पर उत्तराखंड में शूट की जाती हैं, अब आने वाली फिल्म बाहुबली 3 भी इस लिस्ट में ऐड हो चुकी है। यहां तक कि फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी इजाजत ले ली है, उन्होंने वहां शूट करने की परमिशन उनसे मांग ली है। तो अब हो सकता है कि फिल्म का शूट लॉकडाउन हटते ही शुरू हो जाए। तो दोस्तों आप सभी इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।